हेलो गाइस, मैं डॉक्टर सोनम यादव, आई एम अ गायनिक प्रैक्टिशनर। आज के सेशन में हम बात करेंगे सिजेरियन डिलीवरी के वक्त क्या क्या सावधानियां बरतनी चाहिए। मोस्टली आज के टाइम पर पेशेंट्स का या पेशेंट्स के साथ वालों का, अटेंडर्स का क्वेश्चन होता है कि मैम आपने सिजेरियन के लिए प्लान क्यों किया, आपने नॉर्मल के लिए ट्राई क्यों नहीं किया। तो आइए आज हम बात करते हैं कि हम किन किन सिचुएशंस में सिजेरियन डिलीवरी प्लान करते हैं। कई बार ऐसा होता है कि बच्चा जो होता है वो ब्रीच पर होता है, तो उस कंडीशन में हमें सीजर प्लान करना पड़ता है। नॉर्मल के लिए हम ट्राई बिल्कुल भी नहीं करते हैं। नेक्स्ट क्या होता है कि प्लेसेंटा जो होता है उस वो नीचे की तरफ हो जाता है, तो प्लेसेंटा जब नीचे की तरफ होता है तो उस कंडीशन को हम बोलते हैं प्लेसेंटा प्रीविया। कभी कभी क्या होता है कि बेबी का जो ब्लड फ्लो होता है वो एकदम कम हो जाता है, जिसकी वजह से बेबी की ग्रोथ जो होती है वो यूट्रस में ही रिस्ट्रिक्ट हो जाती है। उस कंडीशन में हम बोलते हैं IUGR। तो इन सभी सिचुएशंस में हमें डायरेक्टली सिजेरियन का डिसीज़न लेना होता है। ऐसी कंडीशन में हम नॉर्मल के लिए ट्राई नहीं करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि जब हम सिजेरियन प्लान करते हैं तो सीजर करने से पहले क्या क्या सावधानियाँ बरतनी चाहिए। कई बार पेशेंट का ऐसा कहना होता है कि मैम मुझे पानी पीने की बहुत आदत है, क्या मैं पानी पी करके आ सकती हूँ, क्या मैं चाय पी करके आ सकती हूँ। या फिर कई बार ऐसा क्वेश्चन भी पुट अप होता है कि मैम क्या मैं सीजर से पहले खाना खा करके आ सकती हूँ। कई बार देखा जाता है कि उन पेशेंट्स के ऊपर उनके घर वालों का भी बहुत प्रेशर रहता है कि आप खाना खा करके जाओ, आप अभी बेबी डिलीवर करने जा रहे हो तो खाना खा करके जाओगे तो ऑपरेशन में आसानी होगी और इससे बच्चे को भी कुछ मिलेगा, बच्चा भूखा नहीं रहेगा। इस टाइप के क्वेश्चंस भी सामने आते हैं। सोचना बिल्कुल ही गलत होगा। कोई भी एनेस्थीसिया से पहले एटलीस्ट 6 घंटे पहले तक कुछ भी नहीं खाना चाहिए। अगर आपको पानी पीना है तो एक एक सिप 2 घंटे पहले तक ले सकते हैं, पर खाना, दूध, चाय ये सब अवॉइड करना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि हमेशा की जो दवाई स्टार्ट रहती है हमारी, जैसे कि बीपी की दवाई हो गई, डायबिटीज़ की हो गई, या फिर आपकी थायराइड की मेडिसिन कोई चल रही है, तो क्या मैं इन सभी दवाइयों को लेकर आ सकती हूँ या नहीं आ सकती हूँ। कई बार ऐसा भी होता है कि हम डिलीवरी से पहले प्रेगनेंसी में ब्लड थिनर की दवाइयाँ चलाते हैं, तो जनरली पेशेंट के क्वेश्चन रहते हैं कि डिलीवरी से पहले क्या मैं यूजुअली चलने वाली जो अपनी दवाइयाँ हैं इनको लेकर आ सकती हूँ या नहीं आ सकती हूँ। का आंसर है यस, आप ये सभी दवाइयाँ कंटिन्यू कर सकते हैं 1-2 घूंट पानी की मात्रा के साथ में। तो आपको ये सभी जो दवाइयाँ हैं इनको बंद नहीं करना है, इनको कंटिन्यू रखना है, कंटिन्यू लेते रहना है, क्योंकि इन सभी दवाइयों की मात्रा जो होती है शरीर में बेबी डिलीवरी करते वक्त बहुत ही ज़रूरी रहता है इनको मेंटेन करके रखना। इसीलिए आपको ये सभी दवाइयाँ समय समय पर अपना लेते रहना है, लेकिन 1-2 घूंट पानी के साथ, पानी की मात्रा बहुत ज़्यादा नहीं लेनी है। क्वेश्चन पुटअप होता है कि हमें खाना क्यों अवॉइड करना है। बेसिकली क्या होता है कि खाना जो होता है वो हमारे पेट से इंटेस्टाइन में पहुँचता है, और जो उसको पहुँचने में समय लगता है वो यूजुअली 6 घंटे लगते हैं। तो जब हम उस टाइम पर एनेस्थीसिया देंगे पेशेंट को, तो वो पेट में, पेट से ऊपर जा करके यानी कि लंग्स में पहुँचता है, और लंग्स में पहुंच करके वहाँ पर निमोनिया बनाने के चांसेस बहुत ज़्यादा रहते हैं। तो अब ये तो आप ही समझ सकते हैं कि निमोनिया आपके लिए ज़्यादा बेटर है या फिर भूखे पेट रहना आपके लिए ज़्यादा बेटर है। तो डिलीवरी से पहले आप अपने डॉक्टर से कंसल्ट कर सकते हैं, उनसे पूछ सकते हैं कि मेरी जो सिजेरियन डिलीवरी है वो किस समय पर प्लान की गई है। तो उस हिसाब से आपको उसके 6 घंटे पहले तक कुछ नहीं खाना है, कुछ भी नहीं लेना है। कई पेशेंट को क्या होता है कि हम ब्लड थिनर की मेडिसिन देते हैं, तो ऐसी कंडीशन में हम यदि स्पाइनल एनेस्थीसिया प्लान करते हैं तो उस समय पर आप अपने डॉक्टर से पूछिए मुझे ये दवाई कंटिन्यू करनी है या नहीं करनी है। एटली 5-7 डेज पहले हम ब्लड थिनर वाली जो दवाइयाँ होती हैं उनको बंद कर देते हैं। यूजुअली रेगुलर यूज़ होने वाली जो आपकी मेडिसिन रहती हैं, यानी कि बीपी, थायराइड या फिर शुगर, इन सभी दवाइयों को आप ऑपरेशन वाले दिन तक कंटिन्यू रख सकते हैं।
दूसरी ज़रूरी बात यह है कि हमारे ब्लड इन्वेस्टिगेशन जो हैं वो एकदम रीसेंट के होने चाहिए, करंट होने चाहिए, फ्रेश होने चाहिए। वो इसलिए क्योंकि इससे हमें पता चलता है कि पेशेंट के शरीर में जो उसका हीमोग्लोबिन है वो कितना है, उसके ब्लड काउंट कितने हैं, प्लेटलेट काउंट कितने हैं, इन सभी चीज़ों का पता चलता है इन्वेस्टिगेशन के दौरान। और इससे आपकी सर्जरी जो है वो प्लान करने में बहुत ही आसानी होती है और आपको भी बेबी डिलीवर करने में कोई तकलीफ़ नहीं होती, बहुत ही ईजी वे में बेबी डिलीवर कर सकते हैं। तो आज हमने इस वीडियो में जाना कि सिजेरियन डिलीवरी के वक्त आपको किन किन सावधानियों को ध्यान में रखना चाहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।